ए ठंडा पानी पींदे न पहाड़िए लोग, ए ठंडा पानी पींदे न पहाड़िए लोग, ए मौज मिला लैंदे न पहाड़िए लोग, ए मौज मिला लैंदे न पहाड़िए लोग। झुमका पाइए तू बड़ी शैल लगनी, झुमका पाइए तू बड़ी शैल लगनी, झुमका तू पाइले दिलदार सोनिए, चुमका तो पहला दिलदार सोनी है। अभी मैं PhD कर रही हूँ म्यूजिक में, तो आई थिंक ये सबसे मेन चीज़ है कि आप अपने पेरेंट्स को प्राउड फील जब करवाते हैं तो वो भी आपको सपोर्ट करते हैं। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, जापान और अभी भी शायद UK कनाडा का टूर है मेरा। मैंने भी जो चीज़ सीखी अपनी जर्नी में वो यही था कि सीखना बहुत ज़रूरी है। आप गॉड गिफ्टेड हैं, आपको माँ भगवती की देन है, सरस्वती माता का आशीर्वाद है, लेकिन स्टिल आपको अपना बेस स्ट्रांग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप अपना बेस स्ट्रांग कर लेते हैं देन आप किसी भी फील्ड में, किसी भी जॉनर में आप गा सकते हैं। तो मैंने भी वही किया, पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, फिर ऑडियंस का प्यार मिलने लग गया, फिर जम्मू की सारी ऑडियंस ने इतना सपोर्ट किया कि मैंने वॉइस ऑफ पंजाब का टाइटल जीता जाके। मेरा गाना आया था यारा तेरी कमली, जो कि PTC चैनल के लिए रिलीज हुआ, तो वो हमारे चनका आ जगह का नाम, वहाँ पे मैं शूट कर चुकी हूँ। नमस्कार, जय माता दी। सोनाली डोगरा जी हमारे साथ हैं आज रियासी जिले की तहसील बमाग के बक्कल इलाके में, जागरण में हाजिरी लगाने के लिए ये पहुंची हुई हैं। कुछ देर पहले इन्होंने हाजिरी लगाई है, अभी हमारे साथ है, बातचीत करते हैं। सोनाली जी, किस तरह का एक्सपीरियंस रहता है रियासी आकर और जागरण में हिस्सा लेकर, और अब तक कितनी बार आप रियासी आ चुके हैं जागरण में या फिर ऐसे भी? सबसे पहले नमस्कार रियासी अपडेट्स के सारे व्यूअर्स को मेरी ओर से, जय माता दी। रियासी में आना हमेशा ही मेरे लिए ना एक ट्रीट जैसा होता है, क्योंकि यहाँ की जो संगत है, यहाँ के जो ऑडियंस है, वो इतना ज़्यादा सपोर्ट, इतना ज़्यादा ब्लेसिंग, इतनी ज़्यादा प्यार देते हैं। और स्पेशली इस इलाके में, बक्कल एरिया में मैं काफ़ी बार आ चुकी हूँ। आई थिंक ये 5th टाइम है मेरा यहाँ पर हाजिरी लगाना। आप खुद ही सोच सकते हैं कि कितना प्यार मिलता है यहाँ पर, और आज भी हाजिरी दी है तो कमाल का रिस्पॉन्स मिला है सारी ऑडियंस की ओर से। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर आना, जो यहाँ की ऑडियंस का प्यार है ना, मतलब सिटी में अगर हम चले जाएं जागरण में तो 12 बजे तक हार्डली लोग बैठते हैं और उसके बाद घर में चले जाते हैं। यही सवाल मैं करने वाला था, यहाँ की ऑडियंस लाजवाब है, अभी तक बैठी है, और ये कहा जाता है इस ऑडियंस के बारे में सुबह तक बैठी रहती है। बिल्कुल, सुबह तक बैठी रहती है और जोश बरकरार रहता है। मेन चीज वो है कि अगर 7 सिंगर होंगे, 10 सिंगर होंगे, तो 10 के 10 सिंगर्स को उतना ही प्यार, उतना ही आशीर्वाद, उतना ही सपोर्ट मिलता है। सो ये सबसे ज्यादा खास बात है इस एरिया की। स्टूडियो भी आपने ओपन किया है, उसके बारे में भी थोड़ा बताएं रियासी के लोगों को भी पता चले, और इसके साथ ही और कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जो पाइपलाइन में है? एक तो फोक स्टूडियो मेलोडीज जो चल रहा है, season 1 चल रहा है, इसके 8 गाने हैं, 7 गाने जो कि बैक टू बैक रिलीजिंग पे हैं। ऑलरेडी कुछ गाने रिलीज हो चुके हैं और 2 गाने हमारे पेंडिंग हैं, बहुत जल्द वो भी रिलीज होंगे। तो मेनली हमने जम्मू कश्मीर की लैंग्वेजेस को कवर किया, उसमें कश्मीरी है, डोगरी है, हिंदी है, और बहुत सारे, मतलब भद्रवाही, किश्तवाड़ी, बहुत सारे लैंग्वेजेस को हमने इसमें कवर करने की कोशिश की, और बहुत सारे नॉन फेसेस जो हैं वो हमारे इस फोक स्टूडियो का हिस्सा हैं। तो सबने बहुत प्यार दिया हमारे फोक स्टूडियो मेलोडीज़ को। season 1 चल रहा है तो आई होप season 2 में भी उतना ही सपोर्ट मिलेगा और सीजन दर सीजन आते रहेंगे। लाइंड अप गाने बोल रहे हैं वो ऑलरेडी मेरे शूट हो चुके हैं, यानी कुछ भजन है और कुछ एक गाना है पंजाबी डोगरी भी है, जो कि इसी मंथ की एंडिंग में शायद रिलीज हो जाएगा, और पोस्टर हम बहुत जल्द रिलीज करेंगे। सो पहला इंटरव्यू मैंने आपके यहाँ पर ये बात रिवील की है कि मेरा एक गाना आने वाला है प्यार नाल, जो कि बहुत जल्दी रिलीज होने वाला है। चलिए, जागरण में तो आपने काफी सारे भजन सुनाए, हमारे दर्शकों को खासकर क्या सुनाना चाहेंगे? फोक स्टूडियो मेलोडीज का एक गाना सुना देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग प्यार दे रहे हैं हमारे डोगरी गानों को, तो उसकी कुछ लाइंस गा देती हूँ। झुमका पाइए तू बड़ी शैल लगनी, झुमका पाइए तू बड़ी शैल लगनी, झुमका तो पाइले दिलदार सोनिए, झुमका तो पाइले दिलदार सोनिए। तो ये गाना हमारा पूरा सुनने के लिए नाट्य रूट्स प्रोडक्शंस, जो कि हमारा यूट्यूब चैनल है, उस पे जाएं और उस पे हमारे सारे फोक स्टूडियो मेलोडीज के गाने सुने, नॉन फेसेस को सबको देखें उस पे और हमें सपोर्ट करें। सोनाली जी, थोड़ा पीछे चलते हैं। सोनाली जो आज एक बड़ा नाम है, कैसे शुरुआत हुई और क्या दिक्कतें भी आई या घर वालों का परिवार, क्योंकि आपने जिक्र किया कि आपकी जो मदर है वो हमेशा आपके साथ होते हैं, आज वो नहीं आ पाए होंगे किसी कारण से, लेकिन साथ होते हैं, सपोर्ट मिलता रहा शुरू से? मैं बहुत लकी रही हूँ इस मामले में, क्योंकि यूजुअली पेरेंट्स जो होते हैं वो इस फील्ड में आने के लिए रोकते हैं बच्चों को, क्योंकि उनका भी कहना ठीक होता है,
स्टडीज यानी एकेडमिक्स को लोग प्रेफरेंस कम देते हैं, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट इसलिए किया क्योंकि मैंने अपनी स्टडी को कंटिन्यू किया साथ साथ में. अभी मैं पीएचडी कर रही हूँ म्यूजिक में. तो आई थिंक ये सबसे मेन चीज़ है कि आप अपने पेरेंट्स को प्राउड फील तब जब करवाते हैं तो वो भी आपको सपोर्ट करते हैं. मैं शुरुआत मेरी हुई है स्कूल टाइम से. इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स में मैंने पार्टिसिपेट किया, उसमें मैंने काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स किए. फिर स्टेट लेवल पे जम्मू आइडल, आवाज़ ही मेरी पहचान, ये ऐसे काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन में मैंने पार्ट लिया. पेरेंट्स ने ही ज़्यादा एनकरेज किया, ज़्यादा उन्होंने, मेरी मम्मी ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया. तो वो हमेशा कहती थी कि आज वहाँ कॉम्पिटिशन हो रहा था तो पार्टिसिपेट कर इस चीज़ में, प्राइज मिलेगा. सिलसिला बचपन में शुरू, हाँ शुरू हो गया था. लेकिन कभी भी मेरे पेरेंट्स ने ये नहीं कहा मुझे कि आपको प्राइज़ लेकर ही आना है. हमेशा यही कहा कि मेन पार्टिसिपेशन है आपकी. जब आप अच्छा करते हैं स्टेज पर, आपको एक रिकॉग्नाइजेशन मिलती है, तो जब लोग लेकर ही आना है, वो कहीं ना कहीं दबाव भी बन जाता है. वो इतना प्रेशर होता है. फिर हम जो बच्चे ने परफॉर्म करना होता है ना, वो 50 से जीरो पे आ जाती है चीज़. इसलिए मेन जो आपका फोकस होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि आप परफॉर्म अच्छा करें, लोग बोलें कि आप डिजर्व करते हैं. प्राइज आना ना आना वो अलग, वो सेकेंडरी थिंग है, लेकिन आपको सबसे पहले अपना काम जो है वो बहुत ध्यान से करना चाहिए. और सबसे पहले उसमें चीज़ यही है कि मैंने भी जो चीज़ सीखी अपनी जर्नी में वो यही था कि सीखना बहुत ज़रूरी है. आप गॉड गिफ्टेड हैं, आपको माँ भगवती की देन है, सरस्वती माता का आशीर्वाद है, लेकिन स्टिल आपको अपना बेस स्ट्रांग करना बहुत इंपॉर्टेंट है. जब अपना बेस स्ट्रांग कर लेते हैं देन आप किसी भी फील्ड में, किसी भी जॉनर में आप गा सकते हैं. तो मैंने भी वही किया, पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, फिर ऑडियंस का प्यार मिलने लग गया, फिर जम्मू की सारी ऑडियंस ने इतना सपोर्ट किया कि मैंने वॉइस ऑफ पंजाब का टाइटल जीता जाके. फिर बस ये जर्नी स्टार्ट हुई तो नेशनल से इंटरनेशनल लेवल की जो है वो माता रानी ने इतना, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, जापान, और अभी भी शायद यूके, कनाडा का टूर है मेरा, तो बहुत जल्द वहाँ भी जाएंगे. चलिए, तो स्टूडियो आपका है, जब जो भी गाने आप वहाँ पे बनाते हैं, उनके जब वीडियो बनाने होते हैं, क्या रियासी की तरफ भी आपका ध्यान रहेगा कि यहाँ भी काफी खूबसूरती है, वाटरफॉल है और कई ऐसी जगह है यहाँ पे शूटिंग हो सकते है, हुई भी है, मास्टर सलीम जी भी आए और भी लोग आए थे जी. तो कोशिश करेंगे आप रियासी. सबसे बड़ी बात है कि बाहर से लोग आकर यहाँ पर काम कर रहे हैं, यहाँ पर शूट कर रहे हैं, लेकिन उससे भी पहले मैं कर चुकी हूँ. मेरा गाना आया था यारा तेरी कमली, जो कि पीटीसी चैनल के लिए रिलीज हुआ, तो वो हमारे चनका जगह का नाम, वहाँ पे मैं शूट कर चुकी हूँ. वहाँ पे वो जो आपने पानी के किनारे पे ना, वो हमने वो बैम्बूज लगा के एक पूरा प्लेटफॉर्म बनाया था, तो वो हमने ही क्रिएट किया था वहाँ पे. तो वो काफी देर चलता रहा, वहाँ लोगों ने वहाँ फोटोज भी करवाई थी. तो मेरे ब्रदर जो है आकाश डोगरा, वो उन्होंने ये सारी चीजें प्लान की थी कि रियासी में जाकर हमने शूट करना है, तो मैं यहाँ कर चुकी. शायद कम लोग जानते थे, हाँ चिनका को कम लोग जानते थे, और सबसे पहले मैंने यहाँ शूट किया. मेरे से पहले और भी लोगों ने किया होगा, बट ज्यादा लोग नहीं जानते थे. देन अब लोग इतना जान रहे हैं, और मेरे हिसाब से हमारे जम्मू कश्मीर में इतनी खूबसूरती है, हमें बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है. सो हमारे ये एरियाज जो है, रियासी और बहुत सारे एरियाज हैं, इन्हें एक्सप्लोर करो, और यहाँ आकर आप शूट भी करें, यहाँ घूमने भी आए, ताकि आपको यहाँ की खूबसूरती का और पता चले. कुछ डोगरी सुनना चाहिए? डोगरी अभी भी मैं गा के आई थी, तो ठंडा पानी की कुछ लाइंस. ए ठंडा पानी पींदे न पाड़िए लोग, ए ठंडा पानी पींदे न पाड़िए लोग, ए मौज मिला लेंदे न पाड़िए लोग, ए मौज मिला लेंदे न पाड़िए लोग. भविष्य के लिए आपको शुक्रिया. थैंक यू सो मच. थैंक यू. तो सोनाली डोगरा जी रियासी जिले की तहसील बमा के बक्कल में पहुंची हैं और जागरण में हिस्सा लिया है, उनसे बातचीत कर रहे थे, कुछ गाने भी सुनने की कोशिश की है. तो चलिए फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही, मेरे सहयोगी के साथ मुझे दीजिए अनुमति. धन्यवाद.